कैसे हैं आप लोग। आज हम एमडी कैट का 2018 का जो पास पेपर है फिजिक्स का वो पोर्शन डिस्कस करने लगे हैं। तो आप गौर से सुनिएगा ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं और जो थोड़े बहुत इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जाएं। जी तो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके सामने आपको नज़र आ रहा है। द डिफरेंस इन द मैग्नीट्यूड्स ऑफ सेम फिजिकल क्वान्टिटीज आर मेजर्ड बाई कंपेयरिंग दैम टू। अब इसका करेक्ट आंसर है अवेलेबल स्केल, क्योंकि एक दूसरे के साथ कंपेयर करने से तो हम डिफरेंस को मेजर नहीं कर सकते। इसी तरह दूसरी किसी फिजिकल क्वांटिटी के साथ कंपेयर करके भी हम मेजर नहीं कर सकते। स्टैंडर्ड साइज़ के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो हम सिर्फ उस वैल्यू की, आप समझ लें कि एब्सोल्यूट, उस क्वांटिटी की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए हम ये काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने दो सेम फिज़िकल क्वांटिटीज़ में डिफरेंस फाइंड करना है तो हमें एक स्केल रिक्वायर्ड है, एक मिनिमम स्केल चाहिए जिसकी मदद से हम दोनों का डिफरेंस निकाल सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ कर लें, आप लेंथ को एग्जांपल के तौर पे कंसीडर करें, दो डिफरेंट लेंथ्स हैं। अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ में कौन सी है लेंथ, अब दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी मुख्तलिफ लेंथ है, अगर आप उनका डिफरेंस निकालना चाहते हैं तो आप इसको किसी ना किसी स्केल के साथ कंपेयर करेंगे। चाहे वो आप सेंटीमीटर में मेजरमेंट करते हैं, चाहे मिलीमीटर में, चाहे मीटर में, चाहे किलोमीटर में, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इनका डिफरेंस जो है वो किसी भी मेजरिंग यूनिट में लिख सकते हैं, किसी भी प्रेफिक्स में लिख सकते हैं। दूसरा एक और चीज़ इसमें ये होगा कि आप जितना ज़्यादा ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें जिसका लीस्ट काउंट जो है वो कम से कम है, उतना ज़्यादा एक्यूरेट जो है वो हम इनका डिफरेंस निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में कह रहा है, फोर्स इज़ डिराइव्ड क्वांटिटी, इट्स डिराइव्ड यूनिट कैन बी एक्सप्रेस्ड, इट्स डिराइव्ड यूनिट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। न्यूटन सेकेंड लॉ के मुताबिक हम फोर्स का फॉर्मूला लिख सकते हैं, एफ इज़ इक्वल टू एम ए। अब फोर्स का जो डेराइव यूनिट है वो न्यूटन होता है, अगर हम इसको बेस यूनिट्स की फॉर्म में लिखना चाहें, मास की जगह किलोग्राम आ जाएगा और एक्सेलरेशन की जगह मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से आपका डेल्टा आंसर करेक्ट हुआ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर में कह रहा है, इफ़ स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज़ नॉट कांस्टेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स देन द बॉडी इज़ मूविंग विद। एक बात याद रखें कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप है, यानी स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ, अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप का फॉर्मूला लिखें तो वो बनेगा डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, क्योंकि वाई एक्सिस पे हम वेलोसिटी लेते हैं और एक्स एक्सिस पे टाइम, और ये तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। अब सिंपल सी बात है, जैसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप होगी वैसा एक्सेलरेशन होगा। अब यहाँ पर उसने बता दिया है दैट स्लोप इज़ नॉट कांस्टेंट, इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं है। यानी कोई भी ऐसी ऑप्शन जिसमें वेरिएबल एक्सेलरेशन लिखा होता या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लिखा होता या इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन लिखा होता या डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन लिखा होता, ज़ाहरी बात है इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन या डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन जो है ये भी वेरिएबल एक्सेलरेशन की ही एक एग्जांपल है। तो वही ऑप्शन आपकी करेक्ट होनी थी। अब इसमें एक ही ऑप्शन है जो आपको चार्ली नज़र आ रही है जिसमें इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन लिखा हुआ है, सो दिस इज़ द राइट आंसर। अल्फा जो है उसमें कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन है, ये गलत है। बीटा एवरेज एक्सेलरेशन, नो डाउट एवरेज एक्सेलरेशन आंसर जनरलाइज करके तो होता है, लेकिन ये एक स्पेसिफिक केस है जिसमें स्लोप कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब है एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं है। सो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन गिवन ऑप्शंस के मुताबिक करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फाइव में कह रहा है, द रेट एट विच वर्क इज़ बीइंग डन इज़ कॉल्ड पावर, ये पावर होती है। अ व्हील स्टार्ट्स रोटेटिंग फ्रॉम रेस्ट विद एंगुलर एक्सेलरेशन, ये उसने एक व्हील का एंगुलर एक्सेलरेशन यानी अल्फा बता दिया है, टिल इट्स एंगुलर स्पीड बिकम्स। अच्छा, उसने स्टार्ट किया है रेस्ट से, यानी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा एफ ये उसने बता दिया है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द व्हील थीटा हमने बताना है। तो हम जानते हैं अगर तो हम लीनियर मोशन की बात करें तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम ऐसे लिख लेते हैं, वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
लेकिन अगर हम एंगुलर मोशन में लिखना चाहें तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। बल्कि ये जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने लिख दी है, लेकिन यहाँ पर थर्ड इक्वेशन यूज़ होगी। तो अगर मैं थर्ड इक्वेशन लिखता तो वो कैसी थी? लीनियर मोशन में टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। इसी तरह एंगुलर मोशन में क्या होगी? टू अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर। अब इसमें आप देख लें, हमें थीटा जो है वो फाइंड करना है, बाकी सारी वैल्यूज़ गिवन है। तो मैं इस फॉर्मूला को थीटा के लिए बना लेता हूँ, ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू अल्फा। अब ओमेगा एफ यानी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी उसने 6 रेडियन पर सेकेंड बताई है, 6 का स्क्वायर माइनस 0, इनिशियल 0 थी। अल्फा यानी एंगुलर एक्सेलरेशन 2 है, तो यहाँ पर 2 आ गया, 36 डिवाइडेड बाय 4 एंड 9 रेडियन इज़ आर आंसर। तो 9 रेडियन आपका करेक्ट आंसर आ गया अल्फा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, अ साइक्लिस्ट इज ट्रैवलिंग एट 15 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है ये इनिशियल वेलोसिटी है, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी। शी अप्लाइड ब्रेक्स सो दैट शी डज नॉट कोलाइड विद द वॉल इन फ्रंट ऑफ हर एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 मीटर। तो ब्रेक लगते लगते यानी रुकते रुकते, यानी वो दीवार के साथ वो लड़की नहीं टकराई, साइक्लिस्ट नहीं टकराई, इसका मतलब है फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 है। और इनिशियल से फाइनल तक जाते जाते जो डिस्टेंस कवर किया गया है दैट इज 18 मीटर। हमने डिसेलरेशन बताना है, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन की वैल्यू बतानी है। अब इसमें आप देखें, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, डिस्टेंस गिवन है। यहाँ भी आप लीनियर मोशन के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने ए फाइंड करना है, तो आप ऐसा करें, ए को एक तरफ रहने दें, बाकी सारा कुछ जो है उसको दूसरी तरफ ले जाएं, डिवाइडेड बाय टू एस। तो इस तरह से आपके पास फाइनल वेलोसिटी की जगह आप 0 पुट करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी की जगह 15 मीटर पर सेकेंड पुट करेंगे, 15 का स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की जगह 18 मीटर आ गया, नीचे 18 आ गया। अब ऊपर 15 का जो स्क्वायर है वो होता है 225, ठीक है, डिवाइडेड बाय 18 इंटू 2। आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा हम कैंसिल कर लेते हैं। अब आप गौर करें, ये जो है 3 पे कैंसिल हो रहा है, 3 6s are 18, 3 जो है 7 पे जाएगा पहले और उसके बाद 5 पे, ठीक है। अब आप इसको अगेन 3 पे कैंसिल कर सकते हैं, 2 पे जाएगा फिर 5 पे। अब ऊपर है 25 और नीचे बन गया है 4, -25 डिवाइडेड बाय 4। अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 4 बाहर आ गया, 25 अंदर आ गया, 6 पे गया और 1, फिर आगे 0 आएगा, यहाँ पॉइंट आएगा, यानी 6 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आना चाहिए, दैट इज़ अल्फा। नेगेटिव साइन उसने नहीं लिखा क्योंकि उसने मैग्नीट्यूड पूछा था। वैसे तो नेगेटिव साइन भी आता है क्योंकि ये डिसेलरेशन है, यानी है नेगेटिव एक्सेलरेशन है, लेकिन यहाँ चूंकि मैग्नीट्यूड की बात हो रही है इसलिए नेगेटिव साइन की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, स्टोन ऑफ मास 2 kg इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट। अब आप देखें, ये मास गिवन है स्टोन का, ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट यानी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है, रेस्ट पोजीशन 9 मीटर अबव द ग्राउंड, ये इनिशियल हाइट हो गई। व्हाट इज़ इट्स वेलोसिटी एट द हाइट? 3 मीटर अबव द ग्राउंड। नाउ दिस इज़ द फाइनल हाइट, ठीक है। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि फर्स्ट कर लें, ये ग्राउंड लेवल है और ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर था, यानी उसकी ग्राउंड से जो इनिशियल हाइट थी दैट वाज h1, फिर आपने ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, वो ड्रॉप करते करते फर्स्ट कर लें यहाँ तक आया और उसकी जो फाइनल हाइट है दैट इज़ h2। अब यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी तो थी 0, सेकंड लेवल पे आके जो फाइनल वेलोसिटी है ये रिक्वायर्ड है। व्हाट इज़ इट्स वेलोसिटी एट हाइट? 3 मीटर, ठीक हो गया।
तो अब यहाँ पर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज़ करेंगे, फ्रिक्शन ऑफ एयर जो है उसको हम इग्नोर कर देंगे। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लॉस ऑफ कैनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, सॉरी, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आएगा इज इक्वल टू गेन इन कैनेटिक एनर्जी, क्योंकि फॉल कर रहा है ना, तो फॉल करते करते पोटेंशियल एनर्जी में कमी आ रही है और कैनेटिक एनर्जी में इजाफा हो रहा है, गेन इन कैनेटिक एनर्जी। लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी देखें, इनिशियल हाइट h1 है, फाइनल हाइट h2 है। एक बात याद रखें, लॉस या गेन जो है जब हम ये फाइंड करते हैं तो हम बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं। इसी तरह अगर चेंज फाइंड करना हो तो फिर फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ चूंकि हम लॉस या गेन फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ आपने बिगर में से स्मॉलर वैल्यू को माइनस करना है। अब ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी कहाँ होगी? ज़्यादा हाइट पर, और कम कहाँ होगी? कम हाइट पर। इसका मतलब है फर्स्ट टर्म जो है वो h1 वाली आएगी, mgh1 माइनस mgh2। गेन इन कैनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी कहाँ ज़्यादा होगी? नीचे वेलोसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट फॉल करता जाता है उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। तो इसलिए यहाँ पर जो नीचे वाली पोजीशन है यहाँ पर कैनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने उसको पहले लिखा, और इनिशियल यानी अपर पोजीशन पे कैनेटिक एनर्जी कम थी उसको मैंने बाद में लिखा। अब आप देख लें इसमें हम क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी की जगह 0 पुट कर देंगे, बाकी सारा कुछ एज इट इज़ आएगा। लेफ्ट हैंड साइड जो है इसमें से एम जी को हम कॉमन निकाल लेते हैं, h1 माइनस h2। राइट हैंड साइड पे हाफ mv2 का स्क्वायर बच गया, मास मास से कैंसिल हो गया, और यहाँ से आप v2 जो है उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा बना सकते हैं। अगर आपको याद हो आपने चैप्टर फोर जो है फर्स्ट ईयर का, उसमें बिल्कुल आखिरी जो इंटर कन्वर्शन ऑफ पोटेंशियल एंड कैनेटिक एनर्जी वाला टॉपिक था उसमें आपने ये एक रिलेशन बनाया था। अच्छा, अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, जी की जगह आप आसानी के लिए 10 पुट कर दें। इनिशियल हाइट जो है वो थी 9 मीटर और फाइनल हाइट थी 3 मीटर, इनिशियल में से फाइनल को माइनस किया और स्क्वायर रूट ले लिया। अब आप देखें 2 × 10 × 9 में से 3 गए, बाकी 6 रह गए, ये बन गया। अब आप देखें ये बन रहा है तकरीबन 12 × 10 यानी 120 स्क्वायर। देखिए अगर तो ये 100 होता तो इसका आंसर आना था एग्जैक्टली 10, लेकिन ये 100 नहीं है, 100 से थोड़ा ज़्यादा है। अगर 121 होता, 121 किसका स्क्वायर होता है? 11 का जो स्क्वायर है वो होता है 121, यानी 11 का स्क्वायर अगर 121 है तो 121 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 11। इसका मतलब है इसका आंसर 11 से थोड़ा सा नीचे आएगा, यानी 10.9 के आसपास आएगा। तो हम इस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं दैट द आंसर टू दिस क्वेश्चन मस्ट बी 10.89 समथिंग। अब आप इसमें देखें, आपका देखें करेक्ट आंसर जो बनता है ना वो होता है 10.89 के आसपास, ठीक है। लेकिन ऑप्शंस में जो चार आंसर गिवन थे वो ये वाले चार आंसर गिवन थे, तो इसलिए अब 10.8 के नियरेस्ट जो ऑप्शन थी वो थी 9.3, इसलिए फिर आप इस तरह से डेल्टा को प्रेफर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटीज, ये बड़ा आसान है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं द डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग हैज़ 500 लाइन्स पर मिलीमीटर, इट्स ग्रेटिंग एलिमेंट इज इक्वल टू। अब आप देखें इसमें हम ऐसा करेंगे, ग्रेटिंग एलिमेंट जो है उसका फॉर्मूला लिखेंगे L/N। अब आप देखें उसने नंबर ऑफ लाइंस पर मिलीमीटर बताया है, तो फिर हम ऐसा करते हैं हम लेंथ को 1 मिलीमीटर कंसिडर कर लेते हैं। अब आप नीचे नंबर ऑफ लाइंस लिख लें दैट आर 500। अब ये आपका आंसर मिलीमीटर में आ रहा है। अब आप ऐसा करें मिली को ख़त्म कर दें, मिली को ख़त्म करने का मतलब क्या हुआ कि 1000 से डिवाइड कर लें, अब ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। ओके, अब ये बन गया जनाब 1/5 मल्टीप्लाइड बाय, नीचे 5 जीरोस थे तो ऊपर आके -5 हो गया। 1/5 जो है इसका मतलब होता है 0.2, 0.2 × 10⁻⁵ मीटर।
और जब आप डेसिमल को एक डिजिट राइट साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस में पावर बढ़ जाएगी, यानी 10^-6 मीटर हो जाएगा। अब जो उसने आंसर बताए थे वो दो यूनिट्स में बताए थे, एक मीटर में और एक सेंटीमीटर में, तो मीटर वाला आंसर हमारा मैच कर गया। अगर मीटर वाला आंसर मैच ना करता तो फिर हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके दोबारा चेक करना था। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, व्हाट इज मेन फीचर रिक्वायर्ड बाय द ऑप्टिकल फाइबर फॉर प्रोपिगेशन ऑफ लाइट इन द ऑप्टिकल फाइबर। अब इसमें जनाब आपका बीटा आंसर बेस्ट आंसर है, लाइट शुड बी टोटली कन्फाइंड विद इन द फाइबर। और इसी पर्पस के लिए हम दो फिनोमिना यूज करते हैं, जिसमें से एक फिनोमिना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड द सेकेंड वन इज कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन कैनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज मैक्सिमम व्हेन द बॉडी इज एट मीन पॉइंट। हम जानते हैं कि मीन पॉइंट पर कैनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पॉइंट्स पर पोटेंशियल मैक्सिमम होती है, और हम कह सकते हैं कि जब बॉडी मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है तो समझ लें कैनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रही है। इसी तरह जब बॉडी एक्सट्रीम से मीन की तरफ आ रहा है तो समझ लें पोटेंशियल कैनेटिक में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन किसी भी पॉइंट पे इन दोनों एनर्जीज का जो सम है वो हमेशा सेम रहता है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, इफ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज 20 माइक्रोसेकेंड देन व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी। बड़ा सिंपल है, हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, 1 ओवर टाइम पीरियड था 20 माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है 10^-6। अब आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 1/2 × 10^7, क्योंकि ये 1 0 ये वाला था, 10^-6 ये था, सॉरी 7 नहीं होगा, ये बन जाएगा 5, क्योंकि नीचे 10^-5 रह गया ना, तो अब आप यहाँ आके इसे 5 लिख सकते हैं। अब 1/2 जो है ये तो इक्वल होता है 0.5 के, सो 0.5 × 10^5। जब आप 0.5 का डेसिमल ख़त्म करेंगे तो एक जो पावर है वो कम हो जाएगी, प्लस वाली पावर कम हो जाएगी, और अगर आप ज़ीरोज़ लगाना चाहते हैं तो 4 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, और फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है वो क्या होता है, हर्ट्स। सो चार्ली इज़ द बेस्ट आंसर, 50,000 हर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे हैं, अ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ बॉडी इज डिस्क्राइब्ड बाय विच स्टेटमेंट मेंशन्ड बिलो। ऐसा हमने करना है कि यहाँ पर तीन स्टेटमेंट्स हैं, के एल और एम, इनमें से कौन सी या कौन कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं, ये हमने बताना है। सबसे पहले तो यहाँ लिखा हुआ है कैनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो, यानी मीन पॉइंट की बात कर रहा है ये। अभी थोड़ी देर पहले हम बात करके आए हैं कि मीन पॉइंट पे कैनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, और अगर कैनेटिक मैक्सिमम है फिर पोटेंशियल तो मैक्सिमम नहीं हो सकती, यानी एल वाली ऑप्शन गलत है। एम जो है, एम वाली स्टेटमेंट में लिखा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन एक्स इज इक्वल टू प्लस एक्स नॉट। अब इस बात का मतलब ये है कि वो एक्सट्रीम पॉइंट की बात कर रहा है, और ये बात तो हम पहले से ही जानते हैं कि एक्सट्रीम पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। इसका मतलब है के और एम ये दोनों स्टेटमेंट्स ठीक हैं, सो डेल्टा इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है, शॉक वॉज प्रोड्यूस ड्यू टू द अर्थ क्विक विच मेक्स द बिल्डिंग मूव इन द डायरेक्शन ऑफ शॉक वेव। एक बात याद रखें, अगर पार्टिकल्स की जो वाइब्रेशन है वो इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ इन द लाइन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव होती है, तो ऐसी वेव को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। अब यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि अर्थक्वेक के दौरान जो बिल्डिंग्स थी वो उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही थी जिस डायरेक्शन में वेव जा रही थी, इसका मतलब है कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है, व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फोर्स बिकम्स इक्वल टू वन ऑफ द नेचुरल फ्रीक्वेंसीज ऑफ द बॉडी देन बॉडी ऑसिलेट्स विद मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रेजोनेंस, ये तो एज इट इज डेफिनेशन लिखी हुई है। इन द केस ऑफ लीनियर डिफॉर्मेशन द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू द टेंसाइल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। इसी तरह अगर वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मेशन हो तो जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसे हम बल्क मॉडुलस कहते हैं। इसी तरह अगर शेप में डिफॉर्मेशन की जाए तो इलास्टिक मॉडुलस को हम क्या बोलते हैं, शेयर मॉडुलस।
क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसमें कह रहा है विच मटेरियल विल फॉलो द बिलो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। अब आप देखें, ये बात हम जानते हैं कि दो तरह के मटेरियल्स होते हैं, ब्रिटल और डक्टाइल। ब्रिटल सब्सटेंसेस जो हैं उनका स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ जो है मैक्सिमम एंड पे थोड़ी सी कर्व आती है, यानी इलास्टिक लिमिट तक, ठीक है। जैसे ही इलास्टिक लिमिट को आप क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तो वो ब्रेक हो जाता है, लेकिन जो डक्टाइल सब्सटेंसेस हैं उनका ग्राफ जो है वो पूरा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन फॉलो करता है, अपना टॉप मोस्ट पॉइंट अचीव करता है, उसके बाद यहाँ पर आके वो ब्रेक हो जाता है या फ्रैक्चर हो जाता है। तो ये चूंकि इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन शो किया गया, इसका मतलब ये किसी ना किसी ब्रिटल सब्सटेंस का ग्राफ है, और एक ही ब्रिटल सब्सटेंस ऑप्शन में गिवन है, दैट इज़ ग्लास। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है इफ़ सी वी इज इक्वल टू 5/2 R देन सी पी विल बी। ये तो हम जानते हैं सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, या सी पी इज इक्वल टू आर प्लस सी वी। अब आप यहाँ सी वी की वैल्यू पुट कर दें और एलसीएम ले लें, 5/2 R था। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास 7 R आ जाएगा ऊपर और नीचे 2, 7/2 R। सो बीटा इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहे हैं 5 watt LED bulb converts 80% of power into light photons। यानी 5 watt का बल्ब है लेकिन हम इसकी 80% जो पावर है उसको प्रैक्टिकली यूजेबल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिस पर्पज़ के लिए हमने बल्ब बनाया है, यानी लाइट की फोटॉन्स की शक्ल में। तो सबसे पहले तो आप ये देखें 5 का 80% होता कितना है, पहले हम वो फाइंड कर लेते हैं, 5 × 80/100। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 4। जब आप इनको कैंसिल करेंगे तो आपका 4 आ जाएगा। यानी जब हमने पावर यूज़ करनी है अपने फॉर्मूला में तो हमने 4 watt लिखना है, ठीक हो गया। द पावर इंटू लाइट फोटॉन्स ऑफ वेवलेंथ 660 नैनोमीटर। वॉट इज़ द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड फ्रॉम द बल्ब इन 1 second। अब ये देख लें, हमारे पास ये एक फॉर्मूला है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी ओवर टाइम। अब देख लें एनर्जी ओवर टाइम, यहाँ से एनर्जी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखें चूंकि लाइट फोटॉन्स की बात हो रही है तो हम अगर वेवलेंथ की शक्ल में इसका आंसर लिखना चाहें तो hc/λ लिखा जा सकता है, साथ ही टाइम भी आपने लिख दिया तो हमारे पास कुछ ऐसा रिलेशन बन गया hc/t λ। अब चूंकि वो 1 second की बात कर रहा है तो आप टाइम की जगह 1 second पुट कर देंगे। अब यहाँ पर हमें रिक्वायर्ड क्या है, यहाँ पर हमें रिक्वायर्ड है नंबर ऑफ फोटॉन्स। देखिए अगर एक फोटॉन हो, अगर एक फोटॉन है फिर तो यहाँ पर एनर्जी के साथ एक 1 hc/λ आएगा, लेकिन हमारे पास जो एनर्जी होती है रेडिएशन के अंदर उसमें तो n नंबर ऑफ फोटॉन्स होते हैं, तो साथ n भी आप यहाँ पर लिखेंगे। n जो है वो किसे शो कर रहा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स को। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, आप नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है उसका एक रिलेशन बना लें, n इज इक्वल टू पावर इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय hc। अब आप पावर का फॉर्मूला लिखें, सॉरी पावर की वैल्यू लिखें, पावर की वैल्यू क्या थी, 4, लैम्डा जो था वो 660 नैनोमीटर था, यानी 660 × 10⁻⁹ m, एच यानी प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 × 10⁻³⁴, और स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, आप ज़रा गौर से देखिएगा, अगर मैं ये वाला जो डेसिमल है इसको एक डिजिट राइट साइड पे ले जाता हूँ ना तो ऊपर एक 0 आ जाएगा, ऐसा ही है। यानी ऊपर आप 10 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको आप उस तरफ ले जाएं। अब ऊपर क्या हो गया, ऊपर आपके पास बच गया, इस 10 को आप इसके साथ सॉल्व कर लें, आपके पास बच गया 4 × 660 × 10⁻⁸ / 66
इंटू 10^ पावर -34 और 8, इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास -26 रह गए। अब आप देखें, अब बड़ी आसानी से इनको कैंसिल कर सकते हैं, ये 1 पे गया और ये 10 पे गया। अब हमारे पास क्या बच गया है जनाब, 4/3 मल्टीप्लाइड बाय, ये एक 10 है, इसको इसके साथ शामिल कर लें, ये बन जाएगा 10^ पावर -7। ये नीचे -26 था, वो भी ऊपर आ गया, ऊपर आकर वो +26 हो जाएगा। अब 4/3 को आप जब डिवाइड करेंगे, 3 को बाहर और 4 को अंदर लिख के, तो हमारे पास कुछ ऐसा आंसर आएगा 1.333 अप टू सो ऑन। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आंसर जो है रिपीट होता जाएगा। इस तरह से 1.33 मल्टीप्लाइड बाय 10^ पावर, आप इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास 19 बचेगा। और इसका यूनिट क्या बनेगा, चूंकि हम नंबर फाइंड कर रहे हैं सो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। सो अल्फा इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है, अ सिग्नल ऑफ -8 मिली वोल्ट इज अप्लाइड टू द इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ एम्पलीफायर। ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बात हो रही है, वाइल नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इज ग्राउंडेड। इसका मतलब है हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के तौर पे यूज कर रहे हैं। द गेन ऑफ एम्पलीफायर इज 25 यूजिंग इनपुट इक्वल टू 3 एंड फीडबैक रेजिस्टेंस यानी R2 इक्वल टू 75 ओम। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ आउटपुट सिग्नल, यानी V आउटपुट हमने बताना है और V इनपुट उसने बता दिया है और साथ ही साथ उसने गेन भी बता दिए। अच्छा जी, हम ये जानते हैं कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए गेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -V आउटपुट डिवाइडेड बाय V इनपुट। ओके, आप इसको ऐसे कहने की बजाय आप इस तरह कह दें, ठीक है, आप इसको सिंपल इस तरह लिख दें। अब यहां पर हमें वी आउटपुट रिक्वायर्ड है, तो आप वी आउटपुट के लिए क्या करेंगे, वी इनपुट को इस तरफ ले आए और गेन के साथ मल्टीप्लाई कर दें। अब वी इनपुट जो है वो क्या है, -8 मिली वोल्ट, -8 मिली वोल्ट। गेन कितनी है, गेन यहाँ पर लिखी है 25। अब चूंकि ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है तो हम जानते हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जो है उसकी गेन तो नेगेटिव होती है, तो आप -25 लिखेंगे। अब आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 200 बनता है। तो इस तरह से 200 मिली वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा एंड दैट इज़ ऑप्शन ए। ये बात याद रखें कि अगर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, अगर सिग्नल माइनस में आपने दिया है तो आपका आंसर प्लस में आएगा, अगर सिग्नल प्लस में दिया होता तो आपका आंसर माइनस में आना था। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है, इनपुट वोल्टेज 0.5 वोल्ट इज अप्लाइड टू एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हम इनपुट सप्लाई कर रहे हैं नॉन इन्वर्टिंग पे, इसका मतलब है कि ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के तौर पे हम यूज़ कर रहे हैं। अब गेन जो है उसका फॉर्मूला यहाँ पर क्या होगा, 1+R2/R1। अब पहले तो हम गेन निकाल लेते हैं, गेन कैसे आएगी, 1+R2 की वैल्यू गिवन है 8R और R1 की वैल्यू गिवन है 2R। R को कैंसिल कर दें, ये बन जाएगा 1+4 दैट इज इक्वल टू 5। अब हम ये भी जानते हैं कि हम गेन को ऐसे भी लिख सकते हैं, आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज, यहाँ से आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा इनपुट वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय गेन। इनपुट वोल्टेज कितना है, वो है 0.5 और गेन कितना है 5। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 वोल्ट हमारा आंसर आएगा और वो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है, इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफिकेशन द रेजिस्टेंस ऑफ डायोड ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ ऑफ एसी। अब देखें,
जब हम हाफ वेव रेक्टिफिकेशन को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो पॉजिटिव हाफ के केस में हम कह रहे होते हैं जी डायोड कंडक्ट करेगा क्योंकि वो फॉरवर्ड बाइस्ड है, और नेगेटिव हाफ के केस में हम कह रहे होते हैं कि डायोड कंडक्ट नहीं करेगा क्योंकि वो रिवर्स बाइस है। और अगर वो रिवर्स बाइस है तो हम दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि रिवर्स बाइस में जो डायोड है उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होगी। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है अ टॉर्च रेटेड 2.2 वोल्ट 0.25 एम्पेयर। अब देखें ये जो स्पेसिफिकेशन गिवन है इस बात का मतलब ये है कि इस टॉर्च ने 2.2 वोल्ट पर चलना है और इसने इसके अंदर कितना करंट फ्लो कर सकता है वो है 0.25 एम्पेयर। अच्छा, इस स्पेसिफिकेशन के मुताबिक ही आपने आंसर देना है। आंसर में वो कह रहा है कैलकुलेट द चार्ज पासिंग थ्रू द बल्ब इन 1 सेकेंड। अच्छा, इतनी बात सोचते हैं कि इसका क्या मतलब है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि करंट क्या होता है तो करंट तो जनाब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब देखिए अगर मैं यहाँ से चार्ज निकालना चाहता हूँ तो वो हो जाएगा करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब आप मुझे ये बताएं कि करंट की वैल्यू कितनी गिवन है 0.25, तो आप 0.25 को टाइम से मल्टीप्लाई कर लें और टाइम तो 1 सेकेंड है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर तो 0.25 कूलम ही आएगा। एक आंसर हो गया 0.25 कूलम। अब 0.25 कूलम जो है वो तीन जगहों पे मेंशनड है, यहाँ भी, यहाँ भी और पहली ऑप्शन में भी। अब हम दूसरा आंसर चेक करते हैं जो उसने पूछा है एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय द पैसेज ऑफ ईच कूलम ऑफ चार्ज। एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय द पैसेज, अच्छा इसमें अब हम ये देखते हैं कि जनाब वोल्टेज का क्या मतलब है या पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब है। ये होता है जनाब वर्क डन पर यूनिट चार्ज, या आप इसको एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट चार्ज भी कह सकते हैं। अगर मैं कह रहा हूँ कि करंट फ्लो कर रहा है और वो करंट जो है वो किसी ना किसी रेजिस्टेंस या लोड के अंदर चार्ज की एनर्जी को लूज कर रहा है जिसकी वजह से पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है या पोटेंशियल लॉस आ रहा है, तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि यूनिट चार्ज यानी 1 कूलम चार्ज उस लोड के अंदर से गुजरते हुए कितनी एनर्जी लूज कर रहा है। अब लूज़ करने का दूसरा मतलब है ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ भी बड़ा आसान है, यहाँ भी हमने एनर्जी ट्रांसफ़र बताना है और वो कैसे आएगा, चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दें। अब चार्ज कितना है 1 कूलम, उसने 1 कूलम चार्ज की बात की है और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 2.2 वोल्ट। तो ये तो जनाब कूलम इंटू वोल्ट जो है वो इक्वल होता है जूल्स के, तो हमारा तो 2.2 जूल्स एज इट इज़ आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो उसने बताया है वही उसने दूसरे अल्फाज में पूछ लिया है, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कूलम्स लॉ गिवन है द मैग्नीट्यूड ऑफ के, ये हम जानते हैं होता है 9 × 10⁻¹। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू 2 कूलम चार्ज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। अब ये हम जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर कोई चार्ज हमारे पास है ये और किसी गिवन पॉइंट पे जो पॉइंट आर डिस्टेंस पे मौजूद है, अगर इस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल की वैल्यू रिक्वायर्ड हो तो उसका ये फॉर्मूला होता है जो मैं अभी लिख रहा हूँ, और वो होता है के क्यू ओवर आर। के की वैल्यू 9 × 10⁻¹, क्यू जो है वो गिवन है 2 कूलम और डिस्टेंस गिवन है 1, तो आपके पास हो गया 18 × 10⁻¹ या 1.8 × 10⁻¹⁰ हो जाएगा। तो उसने ऐसे ही आंसर दिया है, तो वही हमारा करेक्ट आंसर है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये हम जानते हैं। इसी तरह 28 में कह रहा है व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस एंड्स ऑफ यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस आर अ करंट आई फ्लोज थ्रू द वायर। इफ सेम पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड टू द एंड्स ऑफ एन अदर वायर ऑफ सेम मटीरियल। देखें यहाँ पर मटीरियल सेम बताने का मकसद उसका ये है कि रेजिस्टिविटी सेम है, लेकिन उसने लेंथ को भी डबल कर दिया, रेडियस को भी डबल कर दिया। अब वो कह रहा है कि करंट कितना फ्लो करेगा। सबसे पहले तो ये बात सोच लें कि करंट जो है उसका ओहम लॉ के मुताबिक फार्मूला होता है वी ओवर आर।
अब चूंकि उसने पोटेंशियल को सेम रखा है, वो कह रहा है जी सेम पोटेंशियल डिफरेंस, इसका मतलब है हम पोटेंशियल को कांस्टेंट ले लेते हैं। जब आप पोटेंशियल को कांस्टेंट ले लेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा रिलेशन बनेगा, करंट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस होता है जनाब आर इज़ इक्वल टू रो एल ओवर ए। अब चूंकि उसने एरिया की फॉर्म में बात नहीं की, उसने रेडियस की फॉर्म में बात की है, तो हम फार्मूला को ऐसा लिख लेते हैं पाई आर स्क्वायर। अब आप यहाँ देखें यहाँ क्या कुछ कांस्टेंट है, मटेरियल सेम था यानी डेंसिटी सेम, ये पहले ही कांस्टेंट है। अब आप देखें रेजिस्टेंस का फार्मूला हम क्या बनाएंगे, आर इज़ प्रोपोर्शनल टू एल ओवर आर स्क्वायर। अब उसने लेंथ को किया था डबल, रेडियस को भी डबल किया था। जब आप रेडियस को डबल करेंगे तो नीचे स्क्वायर में फ़र्क पड़ेगा, इस तरह से ऊपर टू टाइम्स हो रहा है और नीचे फोर टाइम्स हो रहा है। अब जब ये कैंसिल करेंगे तो फाइनल जो आंसर है वो 1/2 टाइम्स हो रहा है, यानी रेजिस्टेंस जो है उसमें कितना फ़र्क पड़ रहा है, रेजिस्टेंस हाफ हो रही है। जब रेजिस्टेंस हाफ होगी, अब आप इस फार्मूला पे आ जाएं, जब रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली करंट डबल हो जाएगा, ठीक है। सो चार्ली इज़ द करेक्ट आंसर, करंट जो है वो डबल हो जाएगा। 29 में कह रहा है फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का की डेफिनेशन है। 30 में कह रहा है ईएम रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय। ईएम रेशियो जो है उसके हम दो फॉर्मूले लिखते हैं, एक स्मॉल वी डिवाइडेड बाय बी आर और दूसरा टू टाइम्स कैपिटल वी डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर आर स्क्वायर। अब जो पहला फार्मूला मैंने लिखा है इसमें स्मॉल वी स्पीड को जाहिर कर रहा है और दूसरे फार्मूला में कैपिटल वी जो है ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन को जाहिर करता है, तो इसलिए ये दो डिफरेंट फार्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए। टू लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर्स विच आर अरेंज्ड 1 सेंटीमीटर अपार्ट, अ स्टेडी करंट ऑफ 20 एम्पियर फ्लोज इन ईच कंडक्टर इन द सेम डायरेक्शन। की वर्ड्स इस क्वेश्चन के हैं सेम डायरेक्शन, द कंडक्टर्स मूव टूवर्ड्स ईच अदर। अच्छा, ये चैप्टर 14 जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमने पढ़ा था कि अगर दो वायर्स में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करे, वो मैं यहाँ बना देता हूँ। फ़र्ज़ कर लें ये दो वायर्स हैं, पैरेलल वायर्स, और इनमें करंट जो है वो सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। फ़र्ज़ कर लें दोनों में अपवर्ड जा रहा है। अब आप गौर करें जो पहली वायर है और ये दूसरी वायर है, अगर मैं फर्स्ट वायर की बात करूं तो राइट हैंड थंब रूल को यूज़ करने पे अगर मैं थंब को करंट की डायरेक्शन में रखूंगा तो राइट हैंड की फिंगर्स जो हैं वो हमें मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन बताएंगी, यानी जो ये वायर है इसके राइट साइड पे इनटू द पेपर है और लेफ्ट साइड से आउट ऑफ द पेपर है। ये मैंने किसकी डायरेक्शन बनाई है, मैग्नेटिक फील्ड की। इसी तरह अगर आप सेकेंड वायर की बात करें तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह बनेगी राइट हैंड रूल के मुताबिक, यानी इसकी राइट साइड पे इनवर्ड और लेफ्ट साइड पे आउटवर्ड। अब आप गौर करें इन दोनों वायर्स के दरमियान से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, एक दफ़ा इनटू द पेपर और एक दफ़ा आउट ऑफ द पेपर। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से दरमियान में मैग्नेटिक फील्ड जो है ये वीक हो जाएगी, यानी वीक मैग्नेटिक फील्ड, और साइड पे मैग्नेटिक फील्ड कंपैरेटिवली स्ट्रांग होगी, स्ट्रांगर। अब सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक फोर्स हमेशा लगती है फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू वीक रीजन, जिस वजह से ये दोनों वायर्स जो हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगी। हम कह सकते हैं इसका करेक्ट आंसर है बीटा। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है मेटल रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, ये उसने लेंथ बता दी, मूविंग विद अ स्पीड 0.5 इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर एंगल 90 बता दिया उसने, किस किस के दरमियान एंगल है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान, ये वेलोसिटी की वैल्यू है और ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, फाइंड द ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द रॉड। अब ये मोशनल ईएमएफ वाला क्वेश्चन है, मोशनल ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस वीबीएल साइन ऑफ थीटा, थीटा यहाँ 90 है, साइन 90 को मैं डायरेक्ट 1 कर देता हूँ, माइनस वीबीएल, माइनस वी कितना है 0.5, बी कितना है, बी की वैल्यू भी 0.2 है, और L कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का मतलब है 10 डिवाइडेड बाय 100। अब आप गौर करें 10 इसके साथ कैंसिल हो गया, अब हमारे पास
इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं इन दोनों को, तो इनका आंसर आएगा, जी इनका आंसर आएगा 0.1, और नीचे पहले से 10 मौजूद है, इस तरह से आपका आंसर बन जाएगा 10^-2 या 0.01। तो ये चार्ली ऑप्शन आपको नज़र आ रही है, 1 × 10^-2। 33 में कह रहे हैं इन प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, देखिए प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर और आइडियल ट्रांसफार्मर का क्या डिफरेंस है। आइडियल ट्रांसफार्मर में जो पावर के लॉसेस हैं या जो एनर्जी के लॉसेस हैं प्राइमरी से सेकेंडरी कॉइल की तरफ, उनको हम इग्नोर करते हैं और हम कहते हैं आउटपुट पावर इज़ इक्वल टू इनपुट पावर। लेकिन प्रैक्टिकल अगर ट्रांसफार्मर की बात की जाएगी, तो फिर हम सिंपली लिखेंगे आउटपुट पावर इज़ ऑलवेज लेस देन द इनपुट पावर। 34 में कह रहे हैं लेंज़ लॉ इज़ द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये बात हम प्रूव भी करते हैं दैट लेंज़ लॉ इज़ इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है न्यूट्रॉन हैविंग अ मैस, ये पूरी स्टोरी उसने सुनाई है कि न्यूट्रॉन का इतना मैस है, इसको इतनी वेलोसिटी से हमने भेजा इतनी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इसके ऊपर लगने वाली फोर्स क्या होगी। सिंपल सी बात है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, इसके ऊपर चार्ज नहीं होता, तो फिर इस फॉर्मूला के मुताबिक एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, ये जो मैग्नेटिक फोर्स वाला फॉर्मूला है, जब चार्ज नहीं है तो फिर फोर्स भी नहीं लगेगी, सो अल्फा इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहे हैं इन फोटो एमिशन फ्रॉम अ मेटल इफ लाइट ऑफ लैम्डा इज रिप्लेस्ड बाय अ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा बाय 5 द मैक्सिमम कैनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। अच्छा जी, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वेवलेंथ में ये वाला जो डिफरेंस है, इसकी वजह से एनर्जी में क्या फ़र्क पड़ेगा। इंसिडेंट लाइट की एनर्जी जो है मॉडर्न फिजिक्स के मुताबिक, हम समझते हैं कि उसका वेवलेंथ की फॉर्म में ये फॉर्मूला है एच सी ओवर लैम्डा। अब आप देखें वेवलेंथ को हम कर रहे हैं 1/5 टाइम्स, लैम्डा बाय 5 किया है ना, तो एनर्जी कितने टाइम्स हम कर रहे हैं, उल्टा फ़र्क पड़ेगा क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ का इन्वर्स रिलेशन है। तो इसलिए अगर लैम्डा को 1/5 टाइम्स कर रहे हैं, तो दूसरे अल्फाज में एनर्जी को 5 टाइम्स कर रहे हैं। अब हम ऐसा करते हैं, अब हम उसका फार्मूला लिखते हैं, आइंस्टाइन की जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो इक्वेशन है वो लिखते हैं। वो इक्वेशन हमें ये कहती है जनाब दैट टोटल एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज इक्वल टू मैक्सिमम कैनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन प्लस वर्क फंक्शन। यानी कुछ एनर्जी का हिस्सा वर्क फंक्शन में यूज़ हो जाता है और कुछ जो है वो मैक्सिमम कैनेटिक एनर्जी में यूज़ हो जाता है। अब मैक्सिमम कैनेटिक एनर्जी के बारे में उसने हमसे पूछा है, तो फिर इसका फॉर्मूला बनेगा इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, यही होगा ना। अब आप देखें जब हम इंसिडेंट एनर्जी जो है उसको 5 टाइम्स कर रहे हैं, अच्छा अब आप गौर करें ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये इनिशियल कैनेटिक एनर्जी है किन की, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, मैक्सिमम इनिशियल कैनेटिक एनर्जी। अच्छा अब हम ऐसा करते हैं, इंसिडेंट फोटोन की जो एनर्जी थी उसको 5 टाइम्स कर देते हैं, क्योंकि 5 टाइम्स उसने कहा है ना कि इतनी करनी है, इसको 5e कर दें। अब इसमें से 5 को माइनस करें, अब जो आपके पास कैनेटिक एनर्जी आ रही है मैक्सिमम कैनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इसे मैं क्या बोलूँगा, फाइनल कैनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब बेसिकली हमने बताना है कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी में यानी कैनेटिक एनर्जी में तब्दीली क्या आई है। तो उसके लिए आप ऐसा करें, मैक्सिमम कैनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो फाइनल वैल्यू है, इसमें से इनिशियल वैल्यू ऑफ मैक्सिमम कैनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, इसको माइनस कर दो। अच्छा जब आप माइनस करेंगे तो पहले आएगा 5e-5, जब आप इसको माइनस करेंगे तो -e+5 हो जाएगा, क्योंकि सेकंड वाले के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे नेगेटिव साइन की वजह से। अब ये 5 जो है ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। 5e में से जब आप 1e माइनस करेंगे तो 4e बच जाएगा, 4e, ठीक है, यानी आपके पास 4e बच गया। अब ये बेसिकली क्या है, ये मैक्सिमम कैनेटिक एनर्जी में डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है, यानी हम कह सकते हैं
kinetic energy of या maximum kinetic energy of photoelectrons has been changed या has been increased by 4 times the incident energy of photons. ठीक है, अब यहां देखते हैं करेक्ट ऑप्शन कौन सी है. एक ऑप्शन तो उसने लिखी हुई है जी इंक्रीजिंग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस बाय एन अमाउंट इक्वल टू द वर्क फंक्शन. ये वर्क फंक्शन के बराबर तो नहीं है, ये तो इंसिडेंट का 4 times है. बीटा और चार्ली में डिक्रीज कह रहा है, ये तो सरासर गलत है. डेल्टा में कह रहा है इंक्रीजेस बाय एन अमाउंट इक्वल टू 4 times द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा. सो डेल्टा हमारा करेक्ट आंसर है. ठीक है, 37 में कह रहा है लाइट फोटॉन्स ईच ऑफ एनर्जी. ये उसने लाइट फोटोन की एनर्जी बताई है. फॉल्स ऑन द कैथोड ऑफ फोटो सेल द करंट थ्रू द सेल इज रिड्यूस्ड टू जीरो बाय टेकिंग कैथोड टू अ पोटेंशियल ऑफ 0.25 volt रिलेटिव टू एनोड. वर्क फंक्शन ऑफ द कैथोड, हमने कैथोड का वर्क फंक्शन जो है वो बताना है. अच्छा, इंसिडेंट जो लाइट की एनर्जी है वो उसने बता दी है कि इतनी एनर्जी वाले फोटॉन्स हम फॉल करवा रहे हैं. और फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो ज़ीरो हुआ है कब, जब रिवर्स पोटेंशियल इतना किया गया है. इसका मतलब है ये उसने स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू बताई है. ठीक है, अब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया, वर्क फंक्शन हमने बताना है. अब हम ये जानते हैं कि वर्क फंक्शन जो है इसको हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं. देखें, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन हमें क्या कहती है. वो इक्वेशन हमें ये कहती है दैट टोटल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स. अब यहाँ से मुझे ये बताएं कि यहाँ से वर्क फंक्शन किसके इक्वल बनेगा. सिंपल है, यहाँ से आप वर्क फंक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं, इंसिडेंट एनर्जी माइनस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स. अब इंसिडेंट एनर्जी एज इट इज़ हम लिखेंगे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की जगह हम ई वी नॉट भी लिख सकते हैं. अब ई वी नॉट क्या चीज़ है, इसमें ई जो है ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है और वी नॉट जो है ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है. अब आप सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, बड़ी आसानी से इंशाल्लाह आंसर आ जाएगा. ई जो है ये इंसिडेंट एनर्जी है जो उसने शुरू में बताई है, 3.5 × 10⁻¹⁹. 3.5 × 10⁻¹⁹. इसी तरह वो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो 0.25 बताया है. माइनस चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम और स्टॉपिंग पोटेंशियल है 0.25. ठीक है, अब आप देखें क्या बनेगा. अब देखें 10⁻¹⁹ जो है ये तो चूंकि एक जैसी पावर है, एक जैसा मल्टीपल है, इसको हम कॉमन भी ले सकते हैं. ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बच जाएगा 3.5 − 1.6 जो है इसका 0.25 से अगर मल्टीप्लाई करें. अब गौर करें 0.25 जो है ना इसको शॉर्टकट में हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4. ठीक है, इसको आप डिवाइड करके चेक कर लें, बल्कि ये शॉर्टकट इस तरह के याद रख लिया करें. 0.25 का मतलब है 1/4. ठीक है, तो इसको 1/4 भी लिख सकते हैं. 1/4 को आप 1.6 से जब सॉल्व करेंगे, यानी अगर मैं इस 4 को इसके साथ कैंसिल करूं तो 4 आएगा, साथ एक डिजिट बाद डेसिमल आ गया 0.4. अब 0.4 यहां पर हम लिख लेंगे और ब्रैकेट के बाहर 10⁻⁹ एज इट इज़. जब आप 3.5 में से 0.4 माइनस करेंगे तो 3.1 आपका आंसर आएगा मल्टीप्लाइड बाई 10⁻²⁹. यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है और ये बीटा ऑप्शन में लिखा हुआ है. 38 में कह रहा है द डिब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग विद अ स्पीड, स्पीड गिवन है, प्लैंक्स कांस्टेंट गिवन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको याद भी होता है वैसे, वो भी उसने बता दिया है. सिंपल, हमने डिब्रोगली वेवलेंथ बतानी है. डिब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है H/mv. एच है 6.6 × 10⁻³⁴. m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻³⁹ और स्पीड गिवन है 1 × 10⁻⁷. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. अगर आप गौर करें, ये जो डेसिमल हैं इन दोनों के राइट साइड पे एक जितने डिजिट्स हैं
तो फिर ये ऊपर वाला और नीचे वाला डेसिमल जो है ये ख़त्म हो जाएगा। आप इस डेसिमल को ख़त्म कर दें, ऊपर 66 और नीचे 91, बाकी क्या कुछ बचा? 10 रेज टू पावर -34, नीचे वाला -31 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, और नीचे वाला +7 ऊपर आके माइनस हो जाएगा। 66 डिवाइडेड बाय 91, ये हमारे पास बन गया है। अब आप देखें 66 और 91, इसको थोड़ा सा अगर हम राउंड ऑफ करके, थोड़ा आसानी के लिए हम राउंड ऑफ करके लिखें, तो कुछ इसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता, 66 डिवाइडेड बाय अगर मैं 9 × 10 लिख दूं, यानी नीचे मैं 90 कंसीडर कर लूं, और ये वाला 10 भी हम ऊपर ले जाएंगे। अभी इसको सॉल्व करें तो क्या बनेगा? -3 और -7, -10, और ये वाला 10 भी जब ऊपर जाएगा तो एक और पावर माइनस हो जाएगी। अब आप देखें 66 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर -11, इसको ज़्यादा आसानी से आप डिवाइड कर सकते हैं। ओके, इसको डिवाइड करें क्या बनेगा? 7 पे जाएगा और 63, यानी 7 पॉइंट कुछ आंसर आएगा, पॉइंट यहाँ 0 आ जाएगा। अब जाएगा 3 पे 27, फिर ये 3 आता जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बनेगा तकरीबन ऑलमोस्ट 7.3 × 10 रेज़ पर -11, 7. वाओ, एग्जैक्ट आंसर आ गया है चार्ली, ठीक है। तो ये मैंने आपको इसका करके बताया है, यहाँ पर ये हमने किया है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। इसमें वो कह रहा है कैलकुलेट द एक्टिविटी। बेटा एक्टिविटी होता है डिकेइंग न्यूक्लियाई पर यूनिट टाइम, यानी रेट ऑफ डिके भी इसे बोलते हैं, ठीक है। द रेडियो एक्टिव स्ट्रॉन्शियम 90 हैविंग 6.7 × 10^21 एटम्स एट टी इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, इसे आप इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट टी इज इक्वल टू जीरो कह सकते हैं, एन नॉट से जाहिर कर दें, डिके कॉन्स्टेंट जो है वो भी उसने बता दिया है ये। अब हम रेडियो एक्टिव डिके लॉ जानते हैं, उसको हमने कुछ ऐसे करके लिखा था -λ एन नॉड डेल्टा टी। अच्छा, इसको डेल्टा टी को आप लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड कर दें तो ये एक्टिविटी हो गई -λ × n₀। नेगेटिव साइन तो वैसे हमें बता रहा होता है कि न्यूक्लियाई जो है उनकी तादाद में कमी आती जा रही है, तो अभी तो हम नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देंगे क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो लेमडा और एन नॉट को सिंपली हमने मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों वैल्यूज गिवन है, ये है हमारे पास लेमडा और ये है एन नॉट, दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। इनको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 8.3 × 10^-10, और मल्टीप्लाई करना है 6.7 × 10^21। अब ये भी बड़ा आसान है, आप ऐसा करें 10^-10 और 10^21, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा? 10^11। अच्छा, बाकी आपके पास एक है ये और एक है ये। अब देखें, इसको मैं राउंड ऑफ करूं तो 7 को ड्रॉप करूंगा तो एक बढ़ जाएगा, इसको मैं 7 कर सकता हूं, इसको राउंड ऑफ करूं तो इसे मैं 8 ही रहने दे सकता हूं क्योंकि जो ड्रॉप करना है वो 5 से छोटा है। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो बनता है 56, ठीक है, 56 × 10^11। अब जब अगर आप इसे साइंटिफिक नोटेशन यानी डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहते हैं इस तरह, तो डेसिमल एक डिजिट लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो 10 की पावर में एक इजाफा हो जाएगा, यानी 5.6 × 10^12 बैकरल, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो डेल्टा इज द करेक्ट आंसर। 40 में कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज्ड व्हेन अ न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ये बात हम जानते हैं, एक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था मास डिफेक्ट का, अगर अलग अलग न्यूक्लियॉन्स हैं और उनको मिला के इकट्ठा न्यूक्लियस बने तो हम कहते हैं कि उनके मास में कमी आ जाती है, मास में न्यूक्लियॉन्स के मास में जो कमी आती है वही असल में एनर्जी की फॉर्म में रिलीज होती है। अब मास में ये जो कमी आई है इसे बोलते हैं मास डिफेक्ट, और जो एनर्जी रिलीज होती है उसे बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। अब जो एनर्जी रिलीज हुई है इसी एनर्जी को दोबारा सप्लाई करना पड़ेगा
अगर हम चाहते हैं कि वो वाला न्यूक्लियस ब्रेक हो जाए, यानी दोबारा अपने कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी जो है इसका फॉर्मूला भी हम जानते हैं। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला हम इस तरह से लिखते हैं, मास डिफेक्ट मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर, ठीक है। 41 में कह रहा है कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ बिस्मथ 214 विच हैज़ अ डिके कॉन्स्टेंट दिस। अच्छा, डिके कॉन्स्टेंट गिवन है आपसे, उसने हाफ लाइफ पूछी है। एक ये फॉर्मूला भी हम जानते हैं, हाफ लाइफ मल्टीप्लाइड बाय डिके कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 0.693। तो यहाँ से हम हाफ लाइफ फाइंड कर लेंगे बड़ी आसानी से। आप हाफ लाइफ कैसे फाइंड करेंगे, ये बन जाएगा जनाब, हाफ लाइफ इस तरफ रहने दें और डिके कॉन्स्टेंट को डिवाइड कर दें। डिके कॉन्स्टेंट गिवन है जी 0.693 डिवाइडेड बाय 4.3 मल्टीप्लाइड बाय 10^3। अब आप ऐसा करें, इसको भी हम थोड़ा सा राउंड ऑफ करके थोड़ी सी अप्रॉक्सीमेशन लगा के सॉल्व करते हैं ताकि जल्दी सॉल्व हो जाए। अब देखें, इसको ड्रॉप करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 9 को ड्रॉप करें तो ये 7 हो जाएगा। तो इस तरह से ये बन जाएगा 0.7 डिवाइडेड बाय, इस 3 को ड्रॉप करें तो इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसे 4 रहने दें। नीचे 10^3 प्लस में था, ऊपर आके वो माइनस में हो गया, ये बन जाएगा 10^-3। इस डेसिमल को अगर मैं एक और डिजिट राइट साइड पे लेके जाऊँ तो ये जो नेगेटिव की पावर है ये बढ़ जाएगी, ये बन जाएगा 7/4 इंटू 10^-4। अब आप इसको बड़ी आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 4 1s are 4, 3 डेसिमल लगा दिया, 0 आ गया और 7 पे चला गया, यानी ये तकरीबन आपका आंसर आएगा 1.7 इंटू 10^-4। तो ये देख लें, हमारा डेल्टा आंसर जो है ये मैच कर गया। यहाँ पे 1.6 था, हमारा 1.7 आ रहा था। एग्जैक्टली इक्वल क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने थोड़ी बहुत अप्रॉक्सीमेशन यूज़ की थी, ठीक हो गया। तो ये था जनाब हमारा एमडी कैट का 2018 पेपर। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई चीज़ों के साथ आएंगे। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।